एलास्मोथेरियम आज से 39,000 साल पहले यूरेशिया में पाया जाता था। इसको साइबेरियन यूनिकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। इसको यह नाम देने के पीछे वजह थी इसके विशाल सिंह, जो काल्पनिक यूनिकॉर्न की तरह विशाल थे। एलास्मोथेरियम का अर्थ होता है लचीले सिंगों वाला जानवर। इसकी खोज सबसे पहले 17वीं सदी में हुई थी। यह आज के आधुनिक गैंडों के दूर के रिश्तेदार माने जाते थे। इसका वजन करीब 5 से 6 टन होता था, जबकि इसकी लंबाई 15 फीट तक होती थी। वहीं इसकी हाइट 6 फीट होती थी। एलास्मोथेरियम के पास विशालकाय सिंह था, जिसकी लंबाई 2 से 3 मीटर होती थी। यह अपने विशालकाय शरीर के बावजूद भी 25 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता था। इसके विशाल सिंगों की मदद से वो किसी भी शिकारी जानवर को आसानी से मौत के घाट उतार देने में सक्षम था। साइबेरियन यूनिकॉर्न घास के मैदान में रहना पसंद करता था। यह अपने आहार में 80% घास को ही शामिल करता था। इसके अलावा वो पौधे और लकड़ी को भी खाता था। यह दिन के समय घूमता था और दोपहर और रात के समय आराम करता था। एलास्मोथेरियम एक विशालकाय गैंडा था और इसकी चमड़ी भी बहुत ही मोटी होती थी। इसीलिए सभी शिकारी जानवर उसका शिकार करने में सक्षम नहीं थे, पर सेबर टूथ टाइगर का ग्रुप और जायंट शॉर्ट फेस्ड बियर में वो काबिलियत थी कि उनका शिकार कर सके। इसको सबसे ज्यादा संघर्ष विशाल भालू से ही करना पड़ता था। चलिए देखते हैं कि एलास्मोथेरियम विलुप्त कैसे हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार 1,30,000 साल से लेकर 8,000 साल के बीच में बहुत ही ज्यादा क्लाइमेट चेंजेस हुआ था। इसी समय के दौरान इंसान भी इस धरती पर मौजूद थे। क्लाइमेट चेंजेस की वजह से शाकाहारी जानवरों को फूड सोर्स कम होने लगा था, और साथ ही इंसानों ने भी मैमथ और एलास्मोथेरियम जैसे विशाल जानवरों का शिकार करते थे। इसीलिए इस समय के दौरान एलास्मोथेरियम के साथ साथ हजारों प्रजातियां विलुप्त हो चुकी थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।